हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत। देखिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मसाला पनीर। अगर फ्रेंड हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने सामग्री ली है, हमने 8 से 10 प्याज काट लिए हैं और हमने 1.25 किलो लिया है पनीर और शिमला मिर्च काट ली है और हमने 5 से 6 टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्च और कुछ लिया है हमने अदरक, थोड़ा सा लहसुन। तो देखिए फ्रेंड, इन सबको हम एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक सबको एक साथ मिक्स करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस सबको अब हम मिलाकर अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए पेस्ट हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए फ्रेंड अब शुरू करते हैं बनाना। एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में लेंगे हम ऑयल 2 चमचे और सबसे पहले हम शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ही फ्राई करेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी में शिमला मिर्च कच्ची ना लगे। देखिए फ्रेंड, बस हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर। और अब हम कर लेंगे पनीर फ्राई। पनीर को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड, अभी हमारा पनीर इसमें गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ। अभी हम एक बार इसको निकाल लेंगे। और हम दूसरी बार में इसे थोड़ा थोड़ा करके डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए पनीर का कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको और गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा ही तल लेंगे। देखिए अब इनका थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है। हमें इस तरीके का पनीर भूनना है। इसी तरीके से फ्रेंड हम सारा पनीर भून लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए अब हम शुरू करते हैं मसाला बनाने के लिए। जिसके लिए हमने 1 चम्मच डाल दिया है जीरा और 1 पिंच हींग। और हमारा जीरा हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पेस्ट। पेस्ट को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल ना आ जाए। देखिए फ्रेंड, जो हमने मसाला भुना है उसमें ऑयल दिखाई देने लगा है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अब हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे शिमला मिर्च। और अब हम डाल लेंगे इसमें पनीर। और अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे सब्जी को। और अब हम इसमें लगभग 1 से 1.5 कटोरी के लगभग डालेंगे इसमें पानी, 1.5 कटोरी के आसपास। देखिए फ्रेंड, हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है। सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई तैयार। देखिए हमारा मसाला पनीर बनकर हो गया है रेडी। अब हम इसको निकालते हैं एक बाउल में। अगर फ्रेंड हमारी ये सब्ज़ी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर करें। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर
नए हो तो सब्सक्राइब करें।